मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका संघ और मितानिन बहनों ने गजमाला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से संबंधित स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया भी मौजूद रही। सभी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनों को सभी को जय जोहार, नमस्कार। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, इस आभार सम्मेलन में हमारी बहनें जहां भी मिलती थी वे कहती थी कि भैया एक कार्यक्रम तो कराइए, हम लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और वो समय आज 2 मई को हम सब इस साइंस कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में हजारों के तादाद में हमारी बहनें आई है। मैं आप तो आभार व्यक्त करने आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये पहला अवसर होगा, पहली सभा होगी जिसमें पुरुष लोग अल्पसंख्यक हैं। कुछ पत्रकार मेरे सामने दिख रहे हैं, कुछ अधिकारी दिख रहे हैं, कुछ राजनेता दिख रहे हैं, बच्चा सब हमारी मातृशक्ति यहां उपस्थित है। हम लोग देख 8% में भी नहीं आएंगे लगता है, इतनी अधिक संख्या में आप आई हैं। और जिन शब्दों के साथ हमारे द्रवेश नंदिनी जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुश्री साधना देवांगन जी और आंगनबाड़ी सहायिका आदरणीय नंदिनी यादव जी, मितानिन बहन प्रेम ज्योति बघेल और लक्ष्मी साहू जी ने आप सब की ओर से मंच में जो बात उन्होंने कही है वो दिल को छू जाने वाली बात है। आपने बिना कोई संकोच के, बिना कोई झिझक के जिन परिस्थितियों में काम करती हैं, आपके घर के जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और किस प्रकार से आप परिवार चलाती हैं, उसके बारे में आपने इस मंच के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलने के लिए तो कुछ बहनें ही आई थी, लेकिन वो भावनाएं आप सब की थी। और जो आपने सरकार के प्रति जो आभार व्यक्त किया, ये दरअसल में आभार हम लोगों का नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबको 3.25 करोड़ जनता की ओर से, सभी मितानिन कार्यकर्ता, सहायिका सबको, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।